पीएम मोदी की चिंताएं होंगी खत्म। मोदी ने दे दी शिवराज को जिम्मेदारी। शिवराज के हाथों में आई अहम कमान। केंद्रीय मंत्री का बढ़ा दिया ओहदा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वीडियो के शुरुआत में जो लाइनें आपने सुनी वो कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सारी चिंताएं दूर करने के लिए अपना एक साथी चुन चुके हैं। ये और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में भी है। दबे जुबान इनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा खूब होती है। इसी बीच शिवराज को पीएम मोदी ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी है जिससे उनका ओहदा और कद दोनों बढ़ गया है। पीएम मोदी ने शिवराज को दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे, अब उनकी सारी चिंताएं कम होने वाली है। उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए सेलेक्ट किया है। अपनी योजनाओं और बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करवाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से अब तक घोषित सभी योजनाओं, बजट घोषणाओं और अधीनस्थ कानूनों की प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी शिवराज को सौंप दी है। 18 अक्टूबर को पीएमओ में इस समूह की पहली बैठक हुई और इस बैठक में सभी सचिव भी मौजूद रहे। ये समूह हर महीने पीएमओ में मिलेगा और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। निगरानी समूह को लेकर सरकार ने अधिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बैठक में अलग अलग योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि शिवराज पीएम के पोर्टल पर सूचीबद्ध घोषणाओं, मोदी द्वारा शिलान्यास परियोजनाओं, बजट घोषणाओं, अधीनस्थ कानूनों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी सरकार द्वारा लागू योजनाओं में हो रही देरी को लेकर परेशान है। ऐसे में शिवराज को निगरानी समूह का हेड बनाकर पीएम मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। शिवराज को एक कुशल प्रशासक भी माना जाता है। पिछले साल हुए एमपी विधानसभा चुनाव में शिवराज की लाडली बहन योजना ने कमाल दिखाया था और एमपी में बीजेपी को भारी जीत मिली थी। अब निगरानी समूह के हेड बनने के बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं, बजट घोषणाओं और अधीनस्थ कानूनों की प्रगति पर नजर रखना आसान होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इस समूह के गठन से ये उम्मीद जगी है कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में तेजी आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। खैर, शिवराज को मिली इस जिम्मेदारी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।